बाबा मेरी बेटी को दे दे ऐसा परिवार मिले। बोलो सारे, बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। कैसा परिवार ठाकुर? यहाँ सेवा हो तेरी, यहाँ सेवा हो तेरी, ऐसा घर बार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। सुनो ठाकुर, छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा। बोलो, छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, क्योंकि ठाकुर बरसों की यादों को पल भर में भुलाएगी, बरसों की यादों को पल भर में भुलाएगी। जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी, जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी। कि उस समय वो माँ बाप, उस समय वो माँ बाप ही जानते हैं, जब वो अपने दिल के टुकड़े को, जब वो अपने जिगर के टुकड़े को एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर अपने से अलग कर देता है। तो उस समय प्रभु एक अर्जी एक प्रार्थना, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, हंसता संसार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा। तेरे नरसी को बाबा, तेरे नरसी को बाबा इतना अधिकार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, क्योंकि हमारे समाज में जो बेटियों को दर्जा मिलना चाहिए ना, वो एक्चुअल में मिलता नहीं है। एक अजन्मी बेटी की पुकार अपने माँ बाप के लिए क्या कहने लगी, सुनो जरा। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटियों के बारे में और सुनो, क्या होती है बेटियां। आए जो कभी समय बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, दे दे। मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू
मत कमजोर समझना खुद को, आंखना तू भर लेना। बाप का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा और हम ये दवाइयाँ लिख करके दे रहे हैं, अपने बेटों से कह दो कि वो आ जाएं और जल्दी से दवाइयाँ आपके लिए मंगवा दें। बाप का फोन गया बेटे के पास, कहने लगे कि ऐसे करके मुझे चोट लग गई और बेटा जल्दी से आओ, इस हॉस्पिटल में मुझे दाखिल किया गया। वापस बेटे का फोन जाता है अपने बाप के पास कि पापा अभी मुझे बहुत काम है, मैं अपने यार दोस्तों के साथ आया हूँ, मैं बाद में आता हूँ, कोई बात नहीं, आप आराम करो। अगर ये बात उस बेटी को पता लग जाए, अगर ये बात उस बेटी को पता लग जाए कि मेरे बाप के ऐसे करके चोट लग गई, वो पाँव में चप्पल तक भी नहीं डालती भक्तों और दौड़ पड़ती अपने माँ बाप के लिए। ऐसी होती है बेटी। बन कर लाठी संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अगली लाइन में सुनो, मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे, बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे। क्योंकि यो जो हमारे समाज के लिए बेटियां कर सकती है ना, वो बेटे कभी नहीं कर सकते। घर की रौनक बन जाती हैं बेटियां जब शादी हो जाती है, दूसरों के घर की रौनक बन जाती हैं बेटियां, और जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ का दर्जा निभाती हैं बेटियां। इतने इतने रूप बेटियों के, फिर भी हमारे समाज में बेटियों को वो अधिकार नहीं दिया जाता। मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे। अब सुनो, क्या होती है बेटियां, मत करवाओ ये जागरण, कोई फायदा नहीं है जागरण करवाने का, अगर हमारे घर में माँ बाप का सत्कार नहीं है, अगर हमारे घर में बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता, अगर हमारे समाज में बेटियों को वो सम्मान नहीं दिया जाता, तो हमें हक नहीं है कि हम माँ भगवती का जागरण करवाएं, हम ठाकुर को बुलावा दें कि हमें दर्शन देने के लिए। रिधि सिद्धि और सरस्वती, अब सुनो बेटियां क्या होती है, रिधि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अंतिम लाइनें सुनो, आदरणीय गुरुजी नरेश नरसिंह जी ने कमाल ही कर दिया, सुनोगे तो अगर अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। बहन ना होगी दिल की ना होगा, जिस घर में बहन नहीं होगी ना, बाहर से बहने मंगवाओगे कि बहन एक बार आकर के मेरी कलाई सोनी एक बार राखी बांध के तो जाना। बहन ना होगी दिल की ना होगा, किसके वीर कहोगे, हनी सिंह के दीवानों, यो सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे, जो सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे। यहाँ तक मेरा मानना है, माँ सरस्वती का दर्जा लता जी को पहले दिया जाता है, बाद में बोला जाता है कि लता मंगेशकर जी, पहले माँ सरस्वती का दर्जा हम उनको देते हैं। और भी बहुत सारी मिसालें, रानी झांसी की, कल्पना चावला, और भी बहुत सारी मिसालें जो बेटियों ने करके दिखाया, बेटी कभी नहीं कर पाई। बहन ना होगी दिल की ना होगा, किसके वीर कहोगे, हनी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे, पहुंच ले आंसू नरसी अब में, पहुंच ले आंसू नरसी अब में, और नहीं मर पाऊंगी,
ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। ताली नहीं बजाओगे? अपने घर में बैठी बेटियों के लिए ताली बजाइए, जोर से ताली बजाओ, क्योंकि ये ताली डिजर्व करती है वो बेटियां। और हमारे घर में अगर बेटियों का सम्मान होने लग गया ना, अगर हमारे घर में माँ बाप का सम्मान होने लग गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी दूर से चल करके ठाकुर को रिझाने के लिए जाएं, बड़ी दूर दूर वृंदावन बिहारी लाल को मनाने के लिए जाएं। घर बैठे अगर माँ बाप को मना लिया तो समझो कि ठाकुर भी रीझ गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आइए इतने भाव इतनी हाजिरी पलक की ओर से स्वीकार करें और एक ताली और बजाइए। हमारे बीच में एक ऐसा शख्स जो कि हमारे आपके स्थानीय सिवानी से हैं, चिंटू भैया, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए और जोर से ताली बजाइए। बड़ी छोटी उम्र में और बड़ा बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आशीर्वाद आया, धन्यवाद करना चाहूँगी। बोलिए सच्चे दरबार की।